आप लोग के दर्पण कोचिंग में अपना कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, है ना। कहा गया है हजारों दोस्त बन जाते हैं जब दरपास होता है, टूट जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। तो बच्चों आज मैं वो टॉपिक लाया हूँ जो सीने से लगाने लायक है और दुनिया को बताने लायक है, है ना जी। तो आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप ही मेरा माता पिता और भाई बहन और सर्व सर्व है। तुम्ही व माता, तुम्ही व पिता, तुम्ही व सर्वम भव देव देवा। तो आइए बिना देर किए हुए मैं टॉपिक के ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में, और आज हम वही बात जो WH वर्ड से शुरू होने वाला होता है उसके बारे में बताने आ रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले तो हम WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद डू और डज, जैसा कि आपको पहले बताए थे IBJU के साथ डू, और कोई नाम रहेगा डज, और मेन वर्ब का रूप जो कहते हो, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर दीजिएगा। तो आइए बच्चों बिना देर किए हुए, बिना विराम लिए हुए मैं यहाँ पर ही आपके साथ है ना हूँ। देखिए आप क्या जानते हैं, है ना, यहाँ क्या होगा, देखिए आपके बाद क्या है, आप क्या हुआ, तो यहाँ कर्ता हुआ, कर्ता के बाद है तो यहाँ होगा वार है, डू यू और नो KNOW और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम समझते हैं कि ये सवाल को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और कहीं पर भी है ना, दिल्ली, पटना, बम्बई, क्या लंदन में भी आप कोई पूछेगा कि आप क्या जानते हैं तो जवाब दीजिएगा हाउ डू यू नो, है ना। वह क्यों रोती है, है ना, कोई देखिए नाम आ गया ही सी इट नेम, है ना, रोती है, रोता रहेगा तो ही रहता, और यहाँ रोती है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, समझा ना, सी होगा, क्या होगा, पहले सी कर्ता की जगह पर सी, है ना, देखिए उसे पहले देखो क्यों, तो भाई लिख देना है क्या, अरे भाई, अरे भाई भजाई वाला उबला ना इसमें होता है पढ़ाई में WHEY भाई माने क्यों होता है, है ना, वह क्यों रोती है, भाई सी बीप, है ना, क्या होता है बीप, है ना, प्रश्न मारे चीन, बे लोग खेती करते हैं तो दे, है ना, बे लोग क्या, है ना, बे लोग क्यों खेती करते हैं, तो भाई वही भाई, अरे भाई ये भाई और भौजाई ना रिलेशनशिप वाला ओ जो शब्द होता है भाई, है ना, भाई मने होता है क्यों, WHEY भाई, भाई है ना, और दे है ना, है ना, सॉरी यहाँ होगा, यहाँ होगा डज, ठीक है, भाई डज सी बीप, उसी प्रकार से होगा बे लोग क्यों खेती करते हैं, तो भाई डू है ना दे है ना कल्टीवेट, कल्टीवेट है ना, उसी प्रकार से आप क्यों क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो देखो क्यों क्या होता है, भाई भाई यू प्ले क्रिकेट, है ना, उसके बाद होता है सरिता बिहार में क्यों रहती है ना, गांव में नहीं बल्कि बिहार शरीफ में क्यों रहती हैं, तो देखिए कैसे होता है, वाई है ना भाई, भाई है ना, और भाई भाई है ना, ये होता है भाई, भाई भाई डज WHEY डज सी बी है ना, भाई डू दे
कल्टीवेट और भाई है ने सरिता सरी का भाई है सरिता लिव एट बिहार बिहार आईडा इन भी हो सकता है इन भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो हम समझते हैं कि ये भी सेंटेंस को आप बढ़िया से बनाने के लिए सीख गए होंगे और कहीं पर भी पूछने पर कोई सस्पिशन कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज क्लियर फॉर यू एनी वेयर एनी हाउ एनी सिचुएशंस। जय हिंद जय भारत।